मैं पार्टी सनराइज होतो है आणि हाय केदारकंटक समिट कम ऑन जी सर नमस्कार, मैं जनक सिंह पंवार ट्रैकिंग गाइड, मैं हिमालयन हाइकर्स के लिए काम करता हूं। आज हम केदारकंटा ट्रैक करने जा रहे हैं और आज रुकेंगे हम जुड़ा का तालाब। ऑफिशियली आता मैं ट्रैकला स्टार्ट के लिए आमच्या ग्रुप बरोबर आणि मस्त प्लेजेंट है, थंड है, ऊन पण है, मजा येते। बासुरीचा ढाबा, आता तुम्ही जेव्हा पुढे जाल तेव्हा बासुरी ऐकायला मिळेल। मॅगी खाणार आहे, एकदम टेस्टी आहे आणि इथल्या पाण्यामध्ये काहीतरी असतं का ती इतकी टेस्टी होऊन जाते आणि मस्त मसालेदार गरम गरम आहे, मजा येते। एवढं चालल्यावर एक मॅगी तो बनत आहे। सो द लास्ट पुश टू द जुडा का तलाव बिगिन्स। फक्त 15 मिनिटाचं एक स्टीप क्लाइंब आहे, ती करायची आहे आणि आपण असणार आहोत आजच्या फर्स्ट कॅम्पवर जुडा का तलाव। इथे जर आम्हाला नीट चालायला लागेल कारण की खूप चिखल आहे आणि मला पडायचं नाही आहे। बेस्ट पार्ट इज मी ते फर्स्ट सबमिट केलेलं आहे, यूहू, आणि त्यासाठी मी थोडा पळत पळत आलो कारण की मला पहिलं यायचं होतं। अँड वाव, इट फील्स रिअली गुड। हां, आपण जरा पुढे जाऊया आणि येस एक फोटो घेऊया। अरे सोई जाओ। और इसको आप ये है ना, इसको पहले नहीं करना है आपने बंद। मतलब ऐसा नहीं करना है इसको एकदम पूरा ना, क्योंकि फिर आपका अंदर इसके अंदर हाथ फंसेगा। इसको आप रखना है अच्छा। अंदर की तरफ होगी ये, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइज, डे टू फ्रॉम जुडा का तालाब। चांगली झोप लागली, मस्त एकदम। रात्री स्लीपिंग बॅग मध्ये गर्मी होत होती, मध्येच खूप जास्त थंडी होत होती, पण मॅनेजेबल होता आणि मजा आली झोपायला। वॉशरूम करणं इथे थोडंसं जरा ओके ओके आहे, बट हीच तर मजा आहे, रॉ फीलिंग एकदम। आणि लेट्स सी आजचा दिवस कसा जातो। भैया जी क्या लाए? पॅनकेक। पोहा। ओ ग्रेट, पोहा होगा, दूध कॉफी होगी। अरे वाह, पोहा, जरा पॅनकेक दिखा देना। डे टू ऑफ ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम जुडा का तालाब। आज 2.5 to 3 किलोमीटर्सचा इजी ट्रैक है, सो जास्त काय वेळ लागणार नाही आणि जास्त एनर्जी पण लागणार नाही आहे। थोडा बोलताना मला थंडी वाजते, सो बेअर विथ मी। आणि माझा ग्रुप इथे तो पण निघालेला आहे। निघाला एक एवढा स्टीप सेक्शन आहे की तुम्हाला फक्त चढत जायचं आहे, थांबलात ते एनर्जी जाणार। मी तुम्हाला दाखवतो, एवढा मोठा स्टीप सेक्शन आहे तो। तिथून चालू होतो एकदम एंड खालून आणि मग असं वरती 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 यायचं अँड देन परत अजून वरती जायचं। ज्यांनी कोणी बोललेलं
ईजी है, अजीब बात नहीं है, छोटा भले असेल बट कंटिन्युअस स्टीप है, म्हणजे एक पॉइंट नाही आला आहे जिथे स्टीप नाही आहे अजूनपर्यंत, फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड ते आतापर्यंत मे बी एक तास झाला असेल. आमच्याबरोबर अजून एक ट्रेकर आहे, इसका नाम क्या रखे? लॉगवती. लॉगवती बैग आगे कर दो, बिचारी का नेक एकदम अकड़ गया, सप्रेस हो जाए. बस 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 सही है जी, बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गई है. आता सा जो रास्ता है था लास्ट सा तो फेयरली इजी है आणि प्रॉपर जंगलातून चालत है. सी आय गेस 10-15 मिनिटात आम्ही कॅम्पला पोचून जाऊ. दोन तास ट्रेक करून फायनल कॅम्प साईट वर पोहोचलेलो आहे. ही केदारकांताची बेस कॅम्प साईट आहे. गाइज इट्स 3:30 इन द मॉर्निंग, स्पिरिट्स आ रहा है और हम जा रहे हैं समिट पुश के लिए केदारकांता. 13 ऑफ अस विद 2 गाइड्स और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, मजा आने वाला है. कम ऑन, चीयर्स. से हाय पीपल. हेलो बोलिए, हमारे गाइड साहब जनक जी. अपना पैर, ये पत्थर चाहे छोटा होगा, इतना छोटा क्यों नहीं हो? फिर आराम से फिसलेगा, नहीं फिसलोगे, आ जाओ आराम से, आराम से. हुसैन रस्ता है. चल तू तो आ गया, ऊपर से आ जा. ये वाला पत्थर, ये वाला पत्थर, ये वाला पत्थर, बस ये सेकंड है. रॉन्ग फुट डाल रहे हैं आराम से. वो थर्ड वाले में, हाँ ये लॉक को पकड़ लो. हाँ अभी 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 तो सीधा है, अभी कुछ नहीं है. बहुत चढ़ाई यार, बहुत ज्यादा स्टीप है अभी. इतने खाई इतने समिट, इतने पन खाई मेडो, इतने रेंजेस. हेमंत से हाय. मोन एनर्जी दिखा ब्रो. हमारा पार्टी सनराइज होते है सी आणि आपण, आई एम फीलिंग सो लकी हैप्पी. सो ऑफिशियली ऑन द केदारकांत समिट. I am thrilled. Oh, there are a lot of emotions that are running through my mind right now. Oh, but this is surreal. This is unreal, bro. Come on.
भाई भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की जय। सी आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स कि मुझे अकेले छोड़ दे, और उनके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। कुछ मेंटर्स है जिन्होंने मुझे पुश किया है वर्चुअली, और आई एम थ्रिल्ड टू बी स्टैंडिंग हियर विद द फ्लैग ट्राई कलर। यस कम ऑन, यही वाइब्स है ब्रो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहन हियर फ्रॉम द केदारकंटा समिट 12,500 फीट अबव द सी लेवल। एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 6 months बैक त्रिउंड पे गया था मैं, त्रिउंड ट्रैक पे, एंड मैं लिटरली रोया था। ओके, ना मैं आगे जा पा रहा था ना मैं पीछे आ सकता था, बट मैं घर गया, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने जिम लगाई, ओके, मैंने डाइट शुरू किया, एकदम मैं खेलने लगा, बैडमिंटन खेलने लगा। मैं दोस्तों के बर्थडेज था वहाँ पे, मैं डब्बे लेके गया हूँ, ओके। और 4-6 महीने बाद मैं एफर्टलेसली, मैं बोल सकता हूँ मैं एफर्टलेसली यहाँ पे 3 दिन का या 4 दिन का ये ट्रैक ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है, आधा कंप्लीट किया है क्योंकि डिसेंट बाकी है। और आई एम इमोशनली बहुत अभी मतलब स्ट्रांग हो गया, मुझे लग रहा है ऐसे कि थोड़ा मतलब है इमोशंस है, बट जो ये है मन, ये बहुत स्ट्रांग है। एक कहावत है, यू कैन नॉट कॉन्कर द माउंटेन, ओके, यू कैन नॉट कॉन्कर द माउंटेन, बट यू कैन कॉन्कर द माउंटेन हियर विद इन योर सेल्फ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, चीयर्स। आगे ये जो है ये डेस्टिनेशन नहीं, ये जर्नी है, डेस्टिनेशन कुछ और है। Yes. इनका नाम है जनक भाई, ये हमारे ट्रैक लीडर थे। आज जो भी हम इधर आए हैं वो इनकी वजह से चढ़ के आए हैं। इनके लिए जोरदार तालियां सब लोग, एंड बाकी ट्रैकर्स के लिए भी, बाकी जो ट्रैक लीडर्स है उसके लिए भी। हाँ। ग्रेट, तो अपन इथून डिसेंड करतो आहे 9 वाजलेले आहेत, ऑलमोस्ट 2 तास होतो इथे समिट वर, आणि हे बघा डिसेंट एकदम खाली 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 आहे। सी दिस इज द ब्लॅक आईस, यू कॅन से इथून जाऊ नाही शकत। सो वॉट वी आर डुईंग इज वरतून येतो आहे, तिथे पण थोडीशी आईस आहे बट मॅनेजेबल। ओके, सो फायनली पोचलेलो आहे, बेस्ट पार्ट सगळ्यांनी सबमिट केलेलं आहे, सो एव्हरी वन इज हॅपी एज वेल एज टायर्ड। स्टोरी बाद में सुनना उधर। और यहाँ का जो है, यहाँ का जो भी इसमें ट्रैक होंगे, पासिस होंगे, सारे कर चुके हैं, कम से कम पत्थर भी उन्होंने पहचान रखे कि कहाँ पे कौन सा पत्थर है। अभी तक भी मन में याद है, सोते समय भी याद आता है, चलते हम उस रास्ते पे, जैसे ख्वाब नहीं आते ऐसे हम पास में चलते रहते हैं, भाई वहाँ पे ऐसा पत्थर है, वहाँ पे डिफिकल्ट रास्ता है, ये चीजें हैं, जैसा पहाड़ों के एकदम दीवाने हो चुके हैं। सो लास्ट डे ऑफ द ट्रैक, 7 किलोमीटर डिसेंट है, बाय टू द टेंट्स, बाय टू द वॉशरूम टेंट्स। हो गया 12,500 feet टू, अभी कितने 9,500, अभी 6,500 है। सबका एक डांस स्टेप होना चाहिए। जनक जी नाच के दिखाओ, थोड़ा सा डांस करके दिखाओ। वेरी गुड, वेयर डांस, ये